नमस्कार दोस्तों, दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है। सारगुजा जिले के मैनपाट इलाके में फौजी जवान ने अपनी पत्नी की हत्या कर नदी में शव को छुपा दिया। आरोपी ने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने महिला की लाश को बरामद कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यह पूरा मामला सारगुजा जिले के मैनपाट के थाना कमलेशपुर क्षेत्र का है, जहां सीएसएफ जवान ने 2 मार्च को अपनी पत्नी की हत्या के बाद 6 मार्च को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद मैनपाट पुलिस ने तहकीकात शुरू की। जांच में मामले में खुलासा आया, जिसमें पता चला कि फौजी जवान ने 2 मार्च को पत्नी की हत्या की और उसके बाद शव को मैनपाट मछली नदी घाट पत्थर में छिपा दिया। इधर शव बरामद करने के बाद पुलिस ने आरोपी जवान को हिरासत में कर लिया है। बताया जा रहा है कि 3 साल का प्रेम प्रसंग में रहने के बाद 1 महीने पहले ही दोनों का विवाह हुआ था। फिलहाल सीएसएफ जवान सुकमा में पदस्थ थे। अभी हत्या के कारण का खुलासा नहीं हो पाया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच चल रही है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।